हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी आप लोगों का दुआ से, ऊपर वाला का फजीला करम से बहुत अच्छे हैं। तो आज है सोमवार, अभी बज गया सुबह का 8, अभी से आप लोगों को साथ में लेकर के ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को थोड़ा भी मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा ना, तो लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो है ना, आज सोमवार है और देखिए बहुत ज़्यादा पानी भी हो रहा है और पानी से ना कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब गर्मी होता है तो हल्का पानी आदमी को चाहिए होता है, लेकिन हमेशा ना इतना पानी अच्छा नहीं लगता है। और इस बार तो पानी का संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सा जगह में तो बाढ़ भी आ गया है। तो इस बार ना पानी बहुत ज़्यादा, और हम लोग का घर में तो बाहर पानी गिरने से पहले सीढ़ी से घर में आ जाता है पानी। तो ये रैक को ना बहुत दिन से छत के ऊपर रखे थे, और छत के ऊपर रखे थे ना बहुत ज़्यादा गंदा पड़ गया था, क्योंकि पानी का सीजन है और पानी का छिटका वगैरह पड़ के पूरा काला पड़ गया था। तो इसीलिए इसको ऊपर से लेके आए हैं। अभी पानी का दिन है ना, तो आलू प्याज बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि एक ही तो टोकरी में हम आलू प्याज को रख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है। तो इसीलिए है ना क्या किए हैं, सुबह उठते ही इसको साफ़ कर रहे हैं, ताकि आलू प्याज रखने में मेरा सुविधा हो जाए। तो देखिए, ये जब हम खरीदे थे ना, तो बड़ा वाला बाबू है ना 1.5 साल की थी, और अभी बाबू हो गया 9 साल की। तो अभी भी जब भी धो देते ना, पूरा अच्छा से चमकता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इसको अभी फिर से इस्तेमाल करना चालू कर देंगे, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में, और है ना साफा, मतलब ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम आँख में लग रहा है। तो क्या है ना, भरोसा एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, जो किसी पर भी हम लोग भरोसा कर लेते हैं, लेकिन भरोसा का फल है ना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब हम लोग किसी को आँख बंद करके जब भरोसा कर लेते हैं ना, तो वही आपका भरोसा का फायदा उठाने लगता है। आज का ज़माना इसी तरह है, खास करके हम लोग इंडियन लोग ना बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। तो है ना, इसीलिए बोलते हैं भरोसा का अंजाम बुरा ही होता है, फिर भी अपना तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं। और है ना, दुनिया में ऐसा हो गया कि भरोसा का लायक इंसान बहुत कम, 1000 में 1 मिल जाता है। तो इसके लिए ये सब के लिए कोई कोई जो अच्छा होते हैं ना, उसका भी मतलब बुरा हो जाता है, उसका भी गलत ठहर लेते हैं आदमी लोग। तो देखिए, सुबह सुबह ही है ना साग बना रहे हैं, और है ना ये कड़मी का साग है। आप लोग जो भी मेरे वीडियो देखते होंगे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या साग है। तो हम इससे पहले कभी नहीं खाए थे। तो इस बार जब संडे को मार्केट गए थे ना कल, तो ये साग हम लेकर के आए थे। तो पता नहीं, अभी जैसे हम लोग और साग खाते हैं जिस तरह, इसी तरह सोच रहे हैं इसको बना के देखते हैं, पता नहीं कैसे लगेगा खाने में। तो देखिए, और प्याज थोड़ा ज़्यादा करके ही काट दिए, ताकि कुछ भी गलत ना हो जाए, और है ना लहसुन हल्का सा डाले हैं। तो क्या है ना दोस्तों, आप सभी से बात करते हैं अच्छा लगता है। और ये देखिए, सुबह सुबह ही है ना मम्मी है ना हाथ का पेरा हुआ सेवई बनाए थे, तो भेज दिए हैं बाबू का हाथ से। तो बहुत अच्छा टेस्ट है, इसको खाने में बहुत अच्छा भी लगा था। और जो है ना इधर साग बैठा दे रहे हैं, और सुबह से, क्योंकि कल है ना ऐसा हो गया था, आधा दिन भूखे रह गए थे और कल ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाए थे। तो इसलिए है ना सुबह सुबह ही हम 10 बजे के अंदर में ही खाना बना लेते हैं। आप लोगों को तो पता है मेरा 10 बजे तक का ही ब्लॉग होता है ज़्यादातर, क्योंकि हम 10 बजे का पहले से ही सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। तो इसीलिए है ना, तो कल नहीं हो पाया था, और बकरी का लिए, क्योंकि बकरी काल बार बार बगान तरफ जा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। तो इसीलिए है ना कल खाना नहीं बना पाए थे, और लेट हो गया था, मतलब 2 बज गया था, जहाँ 10 बजे का खाना वहाँ 2 बज गया था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। आप लोगों से बातें करते करते ना मेरा सारा काम हो गया ख़त्म, अब नहाना लेट, क्योंकि देखे साग भी बन गया और आज का मेनू यही है।
ये रही दाल बनाए हैं और ये है ना शोल कद्दू का भुजिया भून दिए थे, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, आज थोड़ा सूखा सूखा था। और ये है कड़मी का साग, और ये है ना सेंडर से डीम दिया था तो डीम को फ्राई कर दिए हैं। तो आज का मेनू यही है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को थोड़ा पसंद आया होगा ना, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए देखिए बाहर चले आए, हल्का सा धूप का नज़ारा दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज का छोटा सा एक वीडियो है, और है ना वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और है ना अगर नया दोस्तों है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।